हाँ भाई दीवार से लेके एक ही बार में शायद ये ऐसे मेरे ये पकड़ो फिर ये होगा था जो करिए उसमें एक उसका दोस्त ना मजे ले रहा कि भैया पनीर मंगा दो कि आई तो वैसे तो कटता ही रहता है मैं पतंग की तो बात ही नहीं कर रहा था नाम बता रहे हैं चार बजे तक पतंग Subscribe to YPM Vlogs and click the bell icon. Well, so what is up guys? YPM Vlogs back here. तो भाई क्या हाल चाल है? कैसे हो भाई? क्या है आज? 15 अगस्त आज के दिन चिराग भाई मेरे से मिले थे 5 साल पहले 6 साल पहले अंकल चिराग भाई आज के दिन आए थे ऐसे करते क्या मैं वो नाम क्या कर चिराग नाम क्या है चिराग ऐसे कर रहे थे चलो लेकिन आज दिक्कत नहीं हुई ना किसी को आप मेरे घर आए हो या आपके घर आया हूँ किसी और को दिक्कत हो कोई फोन करे बाद में कि भाई ये तू इसे तू से क्यों मिल लिया चलो भाई पतंग उड़ाते हैं 15 का शुरू करते हैं अपना बढ़िया यहाँ पे बढ़िया चल रहा प्रोग्राम सारी के भाई लोग पतंग उड़ा रहे हैं मेरे को तो एक चीज आ जाती है देसी बॉयज फ्लाइंग काइट आप देसी बॉय हो कन्ने कैसे बांधते मेरे को तो समझाओ आज पहले तो मेरे को तो उड़ानी ही नहीं आती अरे गौरव सोन भैया है ना वो मेरे को सिखा रहे थे भाई पतंगे बहुत सारी हैं इस बार यार हवा में जहाँ देख रहा हूँ पतंग ही पतंग है हाँ इस एरिया में बहुत पतंग होती है 2 साल से मैं आ रहा हूँ इतनी पतंग नहीं उड़ रही थी इस बार तो रिकॉर्ड टूट गया वैसे एक बात है कि इनसे कभी भी लड़ाई हो हमारी 15 अगस्त तक ये मेरे से मिलते ही मिलते हैं देखना अंकल कह रहे मतलब होता है तेरा 2 दिन में मफिन लड़ लेंगे क्या बात होगी वो तो चलता रहता है फिर बर्थडे पे आएगा मैसेज बस बर्थडे भी मिल लेंगे वो कन्ने बांधना भाई इसको पकड़ो पतंग को ऐसे हाँ। वो सबसे बढ़िया देसी तरीका यूं करो तो दीवार से लेके यूं एक ही बार में छेद ये ऐसे फिर ये पकड़ो फिर ये पतंग कैसे नापते हैं बढ़िया लेने के लिए कि कौन सी पतंग ली जाए पतंग तो साइज होती है अद्धी और पोनी हमारा तो स्टैश है अंकल जी बढ़िया अरे नहीं फिर भी तो लेगा तो फिर ना स्टैश भी तो बोलेगा क्या कौन सी पतंग चाहिए अद्धी अद्धी होती है ये पोनी साइज है अच्छा तो ये सही होता है 10 रुपए वाली 15 रुपए वाली वो तो हर दुकानदार का अलग अलग रेट है इसकी गारंटी क्या होती है कि कटे ना मैं इसकी बात नहीं कर रहा था पता है वो तो वैसे तो कटता ही रहता है मैं पतंग की तो बात ही नहीं कर रहा था वो तो मान जाओ कोई सा भी ले लो हाँ पतंग कटेगी कटेगी पतंग तो कटेगी कटेगी हम पतंग है हाँ लेकिन उसके पास हम पे पतंग का स्टैश है मतलब एक कटेगी तो नहीं नहीं ये चीज गलत हो जाएगी ना ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई मेरे को आई वो चिल्लाना है ऐसे वो चिल्ला रहे हैं चिल्ला ले ना मैं तो काटू पहले भाई ये देख ये बांध लिए इधर दोनों साइड करने अब इसको यूं पकड़ो इतना पकड़ लो और ये पहले इतना नापो फिर इसको इतना ही यहाँ नापो सेम होना चाहिए ये बराबर आ जाएगा ये बराबर आते ही ये इधर बना ये बांध दो इसको नॉट बस और बैलेंस हो जाएगी पतंग फिर पतंग तो बिल्कुल कब से उठा रहे हो पतंग आप हमारी ना ये वाली काइट है और अभी हम लगाएंगे पेचे किसके हाथ लगाओगे लगाओ फिर इसी के साथ देखते हैं क्या कटेगी डील से काटोगे या कैसे काटोगे अबे यार भाई मेरे को उड़ाने का मन है अंकल जी लेकिन अभी उड़ा दूंगा ना तो नीचे गिर जाएगी वो अपने आप अंकल इनको बोलना ना कि जीजा जी से लड़ा ले पीछे घर में पीछे लगा ले हाँ वाह भैया भैया आप इनकी वाली पतंग काटना इस बार अब तो भाई वो उनकी भी तो उड़ी रही है तो उनकी काट देना तो घर के वो है ना वो क्या मेंबर तो घर घर वाले थोड़ी काटते हैं तो काट सकते हैं वैसे तो नान वगैरह खिला पहले मेरे को नान नान खाना मुझे जिम्मी घर से खाना वाला क्या जाता है भाई गोपाल को फोन करा अभी गोपाल को क्या बोला कह रहा 2 घंटे तक आता हूं मैं पहले कह रहा हूं मेरे घर की शेड गिर गई थोड़ा सीमेंट लेने आया हूं टैंक में लगेगा अभी मेरे को कम से कम 2 घंटे लगेंगे 2 घंटे मतलब 5 बजे के हिसाब से 7 बजे 7 बजे देखो भाई इसको मैं काटूंगा ब्लैक वाली पतंग को अभी ये तो नीचे गिर रही है ना ना अंकल ऐसे कैसे गिर जाएगी मेरे होते हुए मुझे गौरव भाई कह रहे थे कि वो भी यहीं पर ही हैं आज तो आ जाना पतंग काटने के लिए कंपटीशन करेंगे तो उन्होंने भी किया था प्रतियोगिता करी थी तो उसमें उन्होंने 100 पतंगे दी थी हाँ हाँ मैं वो क्या है प्रतियोगिता कर रहा हूँ उसने एयरपोर्ट एप्पल बहुत दी थी भाई ने हाँ हाँ लग गए लग गए लग गए हाँ दिख रहे हैं लग गए कट गई आ गया वो खींच मारेगा वो डील तू गोर क्या लग गए लग गए लग गए लग गए काट दी उसने तेरी पेचे लगे हुए हैं डील देता रेड तू गई उसकी उसकी गई जिंदगी में अपना एक पेचा तो काटा अबे नहीं यार अच्छा मतलब आज तक से कटवाया ऐसे कह रहे हो अच्छा जिम
बस यार बारिश आ गई, ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बारिश आ जाती है बीच में ना, फिर पतंग वगैरह सबको साइड करना पड़ता है। भाई ये लोग यहाँ पे हुक्का लगा रहे हैं और यहाँ पे जूम कर रहे हैं अपने फोन से। सॉरी I also have the same phone now. बाहर का भाई S24 Ultra, S24 Ultra. देखना अंकल दुबई का हो चाहिए यहाँ का फोन तो सेम है ना, छत आ जाती है पतंगे फ्री में। हाँ मैं तो ये तो मैंने बोला नहीं कि छत बड़ी है, अपने आप फ्लैक्स कर दिया अपने घर का। अरे वो बुला रहा हूँ सर को, ऋषभ सर को। भाई एक बात है भाई की लड़ाई हो रखी है, 4-5 साल से लड़ाई है ना, 700 रुपए के पीछे जबी की थी वही की वही है वो। 700 रुपए अभी तो आईफोन लेना 16 आप लोगे? अरे नहीं साथ में सेकेंडरी फोन कहते ना 16 नॉर्मल वाला 16 या 15 वो सस्ता मिल जाएगा यूएस से ना, बढ़िया में। प्राइवेट नंबर बंदी से बात करने के लिए, बंदी भी नहीं है कोई, अगर कोई रिश्ता विश्ता हो तो भाई को कांटेक्ट करो, भाई के पापा मम्मी मेरे को बहुत ज्यादा बोलते हैं कि भाई शादी कराओ इनकी शादी कराओ। अभी बोला मेरे को इन्होंने बोला है ना, बोला पूछो उनसे, वो तो नीचे गए भी नहीं थे कल ने, अभी गए भी नहीं थे। और अंकल को ऐसे बताइए ऐसी बात है, अगर भैया ने बोल दिया तो वो बात सही है। अंकल आपके बारे में पता कितनी बातें बोलता है वो, कुछ नहीं बोले तो सही है वो। भाई गौरव भैया ना यहाँ पर है समवेयर और मुझे फोन कर क्या बोल रहे हैं, मतलब आस पास की किसी छतों में है वो भी और अम्मी यही है अंकल जी है ना। भैया लैंप्स ना पता नहीं कैसे से होते हैं, हर साल ये ऐसे खराब से होते हैं, बड़ी मुश्किल से उड़ते हैं इनका, भाई किस्मत अच्छी थी उड़ गया ये तो। भाई हम लेके आते हैं 10-10 और खारे खराब हो जाते हैं। हाँ वैसे रिस्की बहुत है ये, कोई एग्जांपल को जा रहा नीचे बाइकर उसके ऊपर गिर जाए टिक्की फिर। हाँ हाँ मुझे याद है, आगे बस मत बोलो। सस्पेंस कब से कह रहे हैं नमकीन खाना है कुछ ना कुछ है ना, क्योंकि ये पीते नहीं ऐसे विदाउट नमकीन है ना। क्या पिया आपने आज? वोडका कह रहे, वोडका पिए अंकल कह रहे हैं। तो झूठ क्यों बोल रहे हो, ब्लैक टेबल ही पी रहे हो आप? मैं तो चिकन खा रहा हूँ भाई, साथ में फिश भी, आप लोग खाओ अपना। ये भाई इतने अजीब से लग रहे हैं मेरे को फ्राइज यार, गीले गीले से हैं। मतलब ये सीन स्नैपचैट की स्टोरीज अपनी लास्ट 2 साल पहले की, और भाई से कुछ बात कर रहे थे अभी है ना अंकल, 2 साल पहले क्या हो रहा था यार यहाँ पे टाइम भाई कभी चेंज। इतने हरी पतंगे बच गई हैं यहाँ पे, और अभी जो मांझा है ना ये भी लेके चल रहे हैं, कह रहे जितना मांझा पुराना होगा उतना अच्छा होता है। चलो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई नहीं उड़ रही वैसे देखा जाए तो, हवा ही नहीं चल रही ना भाई। ये चीज है तो बहुत उड़ रही थी, ये तो क्या सीन है, कल चलेंगे भाई घूमने, चलते हैं घूमने। भाई आप तो बात जाते हो क्लब वगैरह, बात ही नहीं करते आप तो जाने से पहले क्लब। हाँ वो भी लड़कियां हाथ में होती हैं हमेशा। मजे ले रहा की भैया पनीर मंगा दो, तेरा ही नंबर वायरल करो, उस पनीर वाले का नंबर वायरल, तेरी कसम नंबर ही बंद कर दिया, फिर मिलाऊ आपका मेरा नहीं वो वाला मैंने ली थी ना, बल्ली का नहीं है वो, किसी और का सिम थी तो उसको नंबर बांट रहा है भाई 100-100 रुपए में, बंदे मेरे को इनबॉक्स कर रहे हैं। यहाँ पे पटाखे वटाखे सब फूट रहे हैं, यहाँ पतंगे होली दिवाली ये पूरी चिपकी पड़ी है यार। क्लब नहीं जाते भाई हम, आपका चलो हमारे आज आपको ले चलता हूँ आज, देखो चलो बताएगा कहाँ कहीं पर छोड़ दे मेरे को, कल ले आगे ड्रिंक्स के लिए चलो, लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक। हाँ चलो चलो भाई मैं पानी पीऊंगा भाई, दिखता कितना पानी पीते हो भाई। भाई मेरे को दिवाली वाली फील आ रही है बिल्कुल, इतने सारे लॉन्टेन देख रहे हो, अलग ही लग रहे हैं यार, द स्काई इज बीइंग वेरी गुड। ये जाएगा यार, गया अब गया, फाइनली गाइस पहला ही जो बैलून था ना वही चला गया हमारा। देखो भाई मेरे हिसाब से तो मैं तो फोर्थ फ्लोर चढ़ा हूं विदाउट लिफ्ट, आज समझ आ रहा है भाई कितना थकावट होती है चढ़ने में। लेकिन गौरव भाई ने बुला लिया लैंडिंग, भाई जो दो ही चली, इतनी सारी लैंडिंग थी
एक मेरा से चलगी, गौरव भाई कैसे चलगी? यार भाई ने हलवाई नहीं बुलाया आज घर पे, चिराग भाई हलवाई बनाना चाहिए था। दो जनों के लिए हलवाई बुलाना। अंकल भूख नहीं लग रही थी आपको? तब हमको मंगवाने पड़े भाई बाद में बर्गर, ये नहीं कि मंगवा ले हलवाई। खत्म होते ही 15 अगस्त। अंकल जी यार इतना ट्रैफिक हो गया है, इतना ट्रैफिक। नमन भाई लग गया भाई 17 में, अगर चलना तो बता दो, बैंकों की टिकट दिलवा दूंगा सस्ते में। सस्ते में भाई टिकट, सस्ते में टिकट ही तो सस्ती होगी बस। उसके बाद दुनिया जान का पैसा जाएगा। क्यों गोवा में क्या हो गया? गोवा में क्या ही हुआ था तुझे नहीं पता? क्या हुआ था मुझे नहीं पता भाई। बजट ट्रिप था हमारा गोवा का, बजट ट्रिप हाँ 40,000 रुपए बजट ट्रिप होता था उनका। 40,000 रुपए दो दिन के भाई गोवा पर बंदा था क्या? हाँ और क्या, फाइव होटल ले लिया स्विमिंग पूल में। तो अंकल क्यों नहीं गए थे? ये भी नहीं किया। सुबह उठ गया था ब्रेकफास्ट करने के लिए अंकल। बारिश तो बहुत तगड़ी हो गई है यार, इतनी तगड़ी बारिश। अब हम वही खा रहे हैं यहाँ पे सैंडविचेस, ये खा रहे हैं वेज, मैं खा रहा हूँ यहाँ पे चिकन। चलो गाइस अपने खत्म करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे ही। 15 अगस्त था आज, बहुत ज्यादा हमें मजा आया। आपको भाई मजा? हमें तो आती है भाई। कितना आता है? बहुत पतंग, ऑल्दो ज्यादा नहीं उड़ा पाए बट ठीक है, मैंने एक दो पतंग उड़ाई। 80 पतंग लाया था, वो भी बच गई। 80 पतंग लेकर आए थे भाई, ये होते हैं पतंगबाज। मतलब भाई मैं तो लेकर ही नहीं आया, मैंने शॉपिंग नहीं करी पतंग वगैरह की, बारिश हो गई फिर हवा चल रही थी, सब कुछ गर्म हुआ बीच में ऐसी। लेकिन लास्ट में गौरव भाई मिल गए, उन्होंने पैसे ही मजे करवा दिए। चलो गाइस खत्म करते हैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे ही।